नमस्कार, स्वागत है आपका राज कंप्यूटर स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन है, ये काफ़ी कूल है। कैलेंडर बनाया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके कान जो है धीरे धीरे मूव हो रहे हैं इधर उधर इधर उधर, और ये है बटन। जैसे कल आज 6 तारीख है, मैं क्लिक करूँगा तो ये 6 तारीख पर ये बटन कन्वर्ट हो जाएगी। कल 7 तारीख होगी, फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा कैलेंडर चेंज हो जाएगा, 7 पे आ जाएगा। ऐसे 8, 9, 10, 11 और ऐसे फिर से हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कैलेंडर हमारा है, ये जो बना है पूरा प्रेजेंटेशन, ये बना कैसे है, चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, जो कि इतना कूल दिख रहा है हमारा। तो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आज का कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको पावर पॉइंट ओपन करना है। आप रन कमांड की मदद से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आपके मेरे में विंडो 11 पड़ी हुई है, आपका अगर विंडो 7 या विंडो 10 होगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन होगी, क्लिक करिएगा और पावर पॉइंट सर्च कर लीजिए। या फिर सबसे बढ़िया है कि अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर को टाइप करिए और इसके बाद में यहाँ पे लिखिए पावर पॉइंट, पावर PNT। पावर पॉइंट का रन कमांड होता है पावर PNT, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पावर PNT, और इसके बाद में आपको एंटर हिट करना है। एंटर दबाने के बाद में आपका पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करता हूँ और यहाँ से जो कुछ भी बॉक्स आ रहा है, सेप आ रहा है, इसको हटा देना है आपको। ठीक है, इसके बॉर्डर पर क्लिक करिए, ये हट जाएगा। जब ये रिमूव हो जाए तो अगर आपको देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये जो स्लाइड आ रही है, हमारे ये स्लाइड का जो रेशियो है वो पूरा हमारे स्क्रीन पे फिट है। अब मैं प्ले करूँ एक बार, यहाँ से शो कराता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये पूरे पेज पे, पूरे हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन किसी किसी में ये प्रॉब्लम आती है कि ये पूरे स्क्रीन पर नहीं चलता है, तो आप अपने स्लाइड का पहले रेशियो सेट कर लीजिए कि वो पूरे फुल स्क्रीन पर चलना चाहिए। तो आप चले जाइए यहाँ डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है पेज सेटअप का ऑप्शन, लेकिन मेरे में इधर मिल रहा है क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लुक चेंज है और कुछ ऑप्शन इधर उधर दे दिया है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्लाइड साइज, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा ये 16:9 का जो यूट्यूब का रेशियो आता है, इसको ले लेना है। ओके, इतना लेने के बाद आपके ये जो स्लाइड होगा वो पूरे फुल स्क्रीन में चलने लगेगा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इंसर्ट मेन्यू में, शेप में, और इसके बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। एक स्क्रीन दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, ये मेरा रेक्टेंगल है, मैं इसको उठा करके एकदम सेंटर में रख लेता हूँ। ये सेंटर में रख लिया मैंने और इसको मैं वाइट कलर दूंगा, वाइट कलर। आउटलाइन को मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर देता हूँ और सेव इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से मैं ये वाला इफेक्ट दूंगा, सेंटर वाला, जो कि चारों तरफ में हमारा ये शैडो नज़र आएगी। तो शैडो मैंने दे दिया इसको चारों तरफ से, लेकिन ये शैडो बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का करता हूँ, ब्लर करता हूँ। तो वापस वहीं पर जाना शैडो में, और नीचे आप आओगे शैडो ऑप्शन देखने को मिलेगा, शैडो ऑप्शन। यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आ जाइए और ट्रांसपेरेंसी में इसकी थोड़ी सी कम करता हूँ। ओके, ये इतना सही है। तो ये मेरा एक चीज़ तो बनके तैयार हो गया। अब दूसरा काम है, मुझे वो शेप ड्रॉ करना है जो आप देख रहे थे, कार्टून टाइप का था, उसको बनाना है मुझे। मैं यहाँ पे लेता हूँ ओवल और उसको मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ छोटा सा, ये ठीक है। इसके बाद इसका कलर चूज कर लीजिए वाइट, आउटलाइन नो आउटलाइन, ये चीज़ आपको सब में करनी है। वापस यहीं पे आना है शैडो, और वापस मैं यही सेंटर वाला शैडो लगाऊंगा, और सेंटर शैडो लगाने के बाद में मुझे इसके शैडो में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है। तो फिर से वहीं चलना है आपको शैडो, और यहाँ नीचे आ जाना है शैडो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। तो मेरे में तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है आप में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स नज़र आए। तो जैसा जो भी नज़र आ रहा होगा, आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा घटाना बढ़ाना है। अगर आपके हिसाब से वो सही है तब तो रहने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और भी ज़्यादा मुझे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको 89 तक लेके आता हूँ। ओके, ये सही लग रहा है।
ठीक है। और इसके बाद साइज में भी मुझे थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है, तो मैं इसके साइज में देख लेता हूँ। ओके, ये इतना सही है लगभग। और इसके बाद इसका जो ब्लर है इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ओके, एक तक कर लिया। एंगल सही है मेरा, डिस्टेंस भी मेरा सही है, डिस्टेंस वगैरह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा। अब इसके बाद जैसा कि आप देख रहे थे कि इसके जो यहाँ पे कान थे कुछ, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। फिर से जाना है आपको यहीं शेप में, फिर से आपको वो गोला लेना है, इस पे क्लिक करना है। और गोला लेने के बाद में क्या करना है आपको, वापस इस गोले को इस तरीके से ड्रॉ करिए। अब एकदम ये सर्कल में नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, कलर वाइट, हमेशा सबका कलर वाइट, आउटलाइन को नो आउटलाइन देना है। अब जब मैं यहाँ पे इसको शैडो दूंगा तो वापस मैं वही सेंटर शैडो दे दूंगा इसको, ठीक है। और इसको उठा करके मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ, ये रखा मैंने। इसको यहाँ से या इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंड टू बैक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन आ जाएगा सेंड बैकवर्ड, इसे एक स्टेप पीछे जाएगा ये, तो ये एक स्टेप पीछे चला गया इस शेप के पीछे। अगर मैं बैक करता तो ये जो मैंने रेक्टेंगल वाला लिया था एक बड़ा सा शेप, इसके भी पीछे चला जाता, इसलिए मैंने सेंड बैकवर्ड किया। इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से अरेंज करता हूँ। ओके, ये मैंने रख लिया। और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी को प्रेस कीजिए, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट आएगा। और इस डुप्लीकेट को मैं इस तरफ रख लूँगा, ये मेरा ग्रिड लाइन आ जा रही है जो कि दिखा रही है कि मैं एकदम से सेंटर पे बिल्कुल हिसाब से रख रहा हूँ। और इसको भी सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दीजिए, जैसे सेंड बैकवर्ड चला जाएगा वो, तो वो पीछे आपको दिखने लग जाएगा जैसा कि अभी आपका वो वाला शेप दिख रहा था। ओके, परफेक्ट, ये बन गया मेरा। इसके बाद में फिर क्या करना है मुझे, अब इसका एक कान ऐसे था जो कि आपने देखा कि उसमें कुछ कुछ मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। तो एनिमेशन जिसमें हमने लगाया था बस उसी में एनिमेशन लगेगा, और कहीं एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से मैं चलता हूँ यहाँ इंसर्ट शेप, और इसी शेप का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। कान के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से एक शेप रखा, और इसका भी कलर मैंने दे दिया वाइट, आउटलाइन नो आउटलाइन। और यहाँ पे चलता हूँ, और शेडो में जाने के बाद इसको शेडो दे दिया मैंने। अच्छा, ये जो मैंने अभी कान बनाया था इसके शेडो में भी मुझे थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ शेडो, और यहाँ पे आ गया शेडो ऑप्शन, वापस ये मैं शेडो ऑप्शन पे आ गया हूँ। ट्रांसपेरेंसी इसकी सही आ रही है, जितना होना चाहिए उतना दिखाई दे रही है। साइज मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा बहुत कम करने चाहिए। ओके, और इसका जो ब्लर है थोड़ा सा मुझे बढ़ाना चाहिए इसके ब्लर को, इसका ब्लर मैं बढ़ा करके 30 पॉइंट। ओके, सही है। एंगल में इसका थोड़ा बहुत चेंज करके देखता हूँ कि ये किस हिसाब से कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक। और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं 30 पॉइंट, ऐसा इधर भी मैं थोड़ा चेंज करूँगा। शेप इफेक्ट, और आना है शेडो ऑप्शन में, शेडो में जाने के बाद साइज दे दिया मैंने। ओके, ठीक। ब्लर इसका जो आ रहा था मैं ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जितना मैंने उसमें रखा उतना इधर भी रख लेता हूँ। एंगल इसका मैं करता हूँ 90, और डिस्टेंस में रख लेता हूँ 3 पॉइंट, ठीक है। ओके, तो ये लगभग मेरा सही बन चुका है। अब इसके बाद मैं इसका कान लेता हूँ, और इसको लेने के बाद मुझे इसको सेट करना है यहाँ पे, और इसमें मुझे एनिमेशन भी लगाना है, ये मैंने रखा। और इसको भी आप यहाँ पे जा करके सेंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। वापस एक बार और क्लिक करिए, सेंड बैकवर्ड। फिर इसका एक डुप्लीकेट मैं निकालूंगा, और इस डुप्लीकेट को मैं छोटा रखूंगा, पहले वाले की अपेक्षा ये छोटा होगा, जिसमें मैं अलग कलर लगाऊंगा।
ये मैंने इसको यहाँ पे रखा, और यहाँ जाने के बाद इसको भी बैकवर्ड कर दीजिए, दो बार क्लिक करना होगा आपको, सेंड बैकवर्ड। इसमें मैं अलग कलर डालने वाला हूँ, तो इधर आना है सेव फिल का ऑप्शन, और यहाँ से मैंने थोड़ा ग्रेडियंट कलर लगाना है तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में जाने के बाद ये जो आप लीनियर डाउन देख रहे हैं दूसरा वाला, इस पर क्लिक करिए। अब मुझे इसमें ब्लू कलर डालना है तो वापस मैं सेव फिल में जाता हूँ, फिर यहाँ ग्रेडियंट, और यहाँ ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखेगा तीन पॉइंट, तीन पॉइंट में से ये जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है इस पे क्लिक करिए, और यहाँ कट वाले निशान पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब दो पॉइंट रह गए, पहले वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ कलर, और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ कोई, ओके। फिर इस सेकेंड वाले पॉइंट को चूज किया मैंने और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दिया, तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, इसको और इसका जो भी शैडो आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ शैडो का काम नहीं है, तो मैं वापस आ जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और शैडो को मैं नो शैडो कर देता हूँ, ठीक है। जो ऊपर ये मेरा कलरफुल जो आप देख रहे हैं इसको मैंने नो शैडो कर दिया। फिर इस वाले छोटे वाले शेप को और इसके पीछे वाला जो शेप है, शिफ्ट के साथ मैंने उस पर क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करिए, एक दूसरा आएगा डुप्लीकेट, और मैंने इसको यहीं पे रख लिया, और इसके बाद में सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करिए, वापस एक बार सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है हमको, ओके। तो ये पीछे जा चुका है, अब एक बार आप मैच कर लीजिए कि सब कुछ आपका सेंटर में है, सही से सेट है या नहीं है, ओके। तो ये मेरा इतना बन गया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे इसको रोटेट करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, आई थिंक ये भी अब सही लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद में फिर क्या करना था मुझे, अब इसका पूरा बॉडी शेप बनाना था, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से वही गोले वाला शेप लेता हूँ, और इसको मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, ठीक। इसको भी रख लीजिएगा सेंटर में, और वही चीज़ यहाँ पे भी, कलर आपका वाइट, आउटलाइन नन, और यहाँ पे आइए, और यहाँ से आप शैडो दीजिए। शैडो में देखिए क्या देने वाला हूँ, इधर इधर मैं शैडो दूंगा ये वाला, ठीक है, बॉटम का, बॉटम पे क्लिक करके मैंने ये शैडो दे दिया बॉटम का, ओके। एक बार मैं कुछ और भी देख लेता हूँ, बॉटम कुछ मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ले लेता हूँ ये राइट शैडो, राइट कुछ सही है, और राइट देने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ, इसको भी पीछे भेजूँगा मैं, ठीक। इस प्रकार से ये कुछ नज़र आने लग जाएगा, और इसके मैं यहाँ से ये जो आ रहा है मेरा शैडो, इसके भी शैडो में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं वापस यहीं पे मेरी सेटिंग दिखाई दे रही है, मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे जाइए शैडो पे जाइए, अगर वो सेटिंग नज़र नहीं आ रही, शैडो ऑप्शन पे क्लिक करिए, वो चीज़ आ जाएगी। अब इसका ब्लर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, इसमें मैं ब्लर रखता हूँ 85, और इसके बाद इसका जो साइज है वो साइज मुझे थोड़ा बहुत कम करना है, इसको 100 तक कर देता हूँ, ठीक है, और जो इसका ब्लर है वो मैं कर देता हूँ 10 पॉइंट, और एंगल ठीक आ रहा है, इसका डिस्टेंस भी ठीक है, तो ये वाला शेप जो था मेरा ये भी शेप बन चुका है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शेप लिया हुआ था तो उसको भी ड्रॉ करता हूँ, वापस आया रेक्टेंगल पे गया, रेक्टेंगल पे जाने के बाद यहाँ से मैंने एक शेप को ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, और इसको भी ऐसे कुछ रख लेना है, ओके। और फिर से यहाँ से मैं वाइट कलर, वही सेम प्रॉपर्टी आपको इस पे भी लगा देनी है, और शैडो में इसमें ले लेता हूँ ये सेंटर वाला, सेंटर शैडो रखा, अभी सेंटर शैडो को यहाँ पे ये जो शैडो आ रही, चलिए कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, वापस में वहीं पे आ जाना है आपको, और अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे वहाँ सेट कर लीजिए।
साइज इसकी लगभग सही है, डिस्टेंस भी सही ही आ रहा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं मुझे डिस्टेंस को, बस ट्रांसपेरेंसी मुझे थोड़ी सी। ठीक है, ये सही है। अच्छा मुझे ये चीज़ ठीक है, वैसे सही है। अगर आप यहाँ से कर्व करना चाहते हैं, वैसे कर्व वाला ज़्यादा सही लगेगा, तो मैं दूसरा लेता हूँ, उसे दूसरे शेप को ड्रॉ करता हूँ। और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, होम पे आता हूँ, फॉर्मेट पेंटर लिया और इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसके ऊपर कॉपी हो चुकी है। मुझे इस शेप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। ठीक है, ये शेप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा रेडियस दिया गया है थोड़ा थोड़ा, तो ये रेडियस अच्छा लगता है। इसके बाद चलिए अब इसके आगे बनाते हैं। इसके आगे मैं बात करूं तो इसका जो यहाँ पे आँख दिखाई दे रहा था आपको, उसको बनाने के लिए आप जाएंगी इंसर्ट शेप, और यहाँ से आपको वापस यही राउंडेड वाला ऑप्शन लेना है, राउंडेड वाला शेप लेना है। तो राउंडेड पे मैं क्लिक करता हूँ और वापस इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, लगभग इतना। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, बस आउटलाइन को हटा देना है और कलर में जाइए और ग्रेडियंट पे जाइए, और ग्रेडियंट पे जाने के बाद वापस मैं यहाँ पे लीनियर डाउन वाला ग्रेडियंट जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। और फिर से मुझे जाना है, ग्रेडियंट कलर को चेंज करना है, तो वापस यहीं ग्रेडियंट और ग्रेडियंट मोड पे जाकर के क्लिक करिए, फिर से वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तीसरे को मैं बीच में जो है वो मैं हटाता हूँ, ऊपर मैं ब्लैक के बजाय कुछ और कलर रखता हूँ, जैसे कि ये श्याम कलर जो है इसको मैं रख लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इसको रख लिया मैंने। और इधर मेरा ये कलर आ रहा है डार्क ब्लू, ये सही है। अब इसको रखने के बाद मैं, अच्छा ये मैं अगर इस प्रकार से करता हूँ, मुझे ये नीचे चाहिए, तो ठीक है बढ़िया, इसको मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और फिर एक कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाया, वापस इसको यहाँ रखा। अब इसमें आपने देखा था तो कुछ लाइन लाइन सी बनी थी, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। जूम करने के बाद मैं, अब मुझे बनाने में आसानी हो जाएगी, मैं इंसर्ट में चलता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ शेप, शेप में आने के बाद यहाँ पे लिया मैंने लाइन, और मैं इसके अंदर तीन लाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ। ये मेरी पहली लाइन, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट लिया, उसको रखा। अच्छा इसका कलर आप दे दीजिए ब्लैक। अच्छा इस लाइन का भी कलर मैं यहाँ से ब्लैक चूज कर लेता हूँ, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और वापस मैंने यहाँ पे इसको रख लिया, ये हो गया। और मुझे लगता है कि ये जो मेरा राउंड है, इस राउंड को मुझे थोड़ा और राउंड करना चाहिए, बट इतना करना चाहिए। ठीक है, ये बढ़िया है। इस लाइन को थोड़ा छोटा करता हूँ, मेरे ख्याल से ये लाइन मुझे फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये तीन लाइनें मेरी बन चुकी हैं वर्टिकल, अब बारी है एक हॉरिजेंटल लाइन बनाने की। तो वापस मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन लेता हूँ, और यहाँ से इसका भी कलर मैंने वही दिया ब्लैक, और कुछ हॉरिजेंटल लाइन लेकर के यहाँ पे रख देते हैं, एक और डुप्लीकेट ये रख देता हूँ ऊपर, कंट्रोल डी, और ये भी हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका कुछ बन जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया मैंने, और ये जो लाइन आ रही है शेप के बाहर जा रही थी, ठीक है अभी लगभग ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखने लग जाएगा। अब बारी है कि ये जो आँख इधर एक बनी है, इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख लूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सबको। कैसे, उस आँख को आप थोड़ा सा बाहर आइए यहाँ से, और सिर्फ मैं इतना दूंगा, तो ये जो भी पोर्शन था, जितना भी यहाँ पे सेफ था, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और वापस यहाँ पे आकर के मैंने रख दिया इसको। अब बारी है इसके मुंह को बनाने की, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। एक शेप लीजिए इस प्रकार से, और इसमें मैं अभी नो आउटलाइन करता हूँ, और फिर से मैं इसका एक डुप्लीकेट निकालता हूँ, और उस डुप्लीकेट को मैं पकड़ करके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ।
फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 या 2010 है तब तो ये चीज़ बनाने में थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है, और अगर उसके ऊपर का वर्जन है तब काम आपका काफ़ी आसान होगा। और यहाँ पे इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आइए, मर्ज का ऑप्शन दिखेगा जो कि उसमें नहीं है पुराने वर्जन में, और यहाँ पे फ्रेगमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर बाहर कहीं क्लिक करिए, अब आपका ये अलग अलग सेव बन चुका है। ये देखिए, इसको मैंने डिलीट मारा और ये मेरा एक अलग सेव बन चुका है इतना, और ये इतना मेरा अलग सेव बन चुका है। ठीक है, करना ये है कि मैं इसको एक अलग कलर रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आया सेव कलर में गया, ब्लैक कलर रखा, आउटलाइन को मैंने कर दिया नो आउटलाइन, वापस इसको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे इसका मैंने ये ब्लू कलर रखा, आउटलाइन को कर दिया मैंने नो आउटलाइन। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हालांकि अगर आप में ये टूल्स नहीं दिया होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तब भी आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन लगाना होगा। तो इन दोनों को देखो मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, दोनों कान पे मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक किया एनिमेशन। एनिमेशन के बाद में आना है आपको यहाँ पे ये टेटर वाला जो एनिमेशन है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। ये ऐसा देखिए मूव हो रहा है, और मैं काम करता हूँ ये एनिमेशन देने के बाद, अभी जब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ से शो कराता हूँ, या फाइव बटन को प्रे करिए क्लिक करूँगा तब ये प्ले होगा, और इस प्रकार से ये मूव हुआ और रुक गया। तो मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यू चलता रहे, तो एनिमेशन पैन पे जाके क्लिक करिए, ये दोनों इफेक्ट दिखेंगे, दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ क्लिक करिए और ये आएगा आपको इफेक्ट ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करिए, टाइमिंग पे जाना है, और यहाँ रिपीट पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। अनटिल एंड ऑफ स्लाइड देने के बाद ओके कर दीजिए, और इसके बाद में मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ इस एरो पे क्लिक करके विद प्रीवियस कर लेना आपको, स्टार्ट विद प्रीवियस। अब एक बार इतना देखिए, आप प्ले करता हूँ, यह फाइव बटन दबाइए या क्लिक करिए, तो ये इस प्रकार से मूव होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और जब ये इस प्रकार से नजर आने लग जाए, अब बारी है इसके आगे की चीज़ें बनाने की। तो यहाँ पे आपने देखा था एक हाथ सा बना हुआ था इसका, तो वो चीज़ बनाने के लिए वापस शेप में आइए, और यहाँ पे जाना है आपको, वही ऑप्शन लेना है सर्किल वाला, और कुछ इस प्रकार से मैंने रख दिया। वापस कलर इसका वाइट, आउटलाइन नो आउटलाइन, और यहाँ पे जो आप शैडो देने वाले हैं वो कुछ आप देंगे इस प्रकार से। ठीक है, बॉटम राइट, और ये मैं थोड़ा सा इसको सर्कल में, सॉरी इसको रोटेट करूँगा, और कुछ इस प्रकार से रख लेना है। ओके, फिर कंट्रोल डी से मैंने एक डुप्लीकेट निकाला इसका, और इसको मैंने इस तरफ रोटेट किया, और वापस से आ करके इसको यहाँ पे रख लेना है। अब इसकी शैडो उल्टी करनी है मुझे, जैसे वो बॉटम राइट था, आपकी बार यहाँ पे लेफ्ट बॉटम लेफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आने लग जाएगा। और इन दोनों को बढ़िया से अपने हिसाब से रख लीजिएगा उचित दूरी पे। ठीक है, तो इतना मेरा बनके लगभग तैयार है। थोड़ा सा मैं इसमें शैडो को मैनेज करता हूँ, इसकी जो शैडो आती है, तो वापस मैं गया यहाँ पे शैडो ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे जो भी इसको शैडो आ रही है, जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी को 77 दे दिया मैंने, साइज इसकी 100 रहने देता हूँ, ब्लर इसका 4 पॉइंट आ रहा है तो मैं 5 कर देता हूँ, एंगल इसका लगभग लगभग ठीक ही है, थोड़ा बहुत और चेंज करके देखते हैं। ओके, 36 ये सही था, और डिस्टेंस, वापस डिस्टेंस इसका सही है, वही चेंजेस मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, 77 साइज सही थी, ब्लर मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, ब्लर इसका जो होगा वो 5 पॉइंट, और ये लगभग ठीक है। ठीक है, 136 दे दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस सही आ रहा है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको भी मैनेज कर लिया।
अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको मुझे वापस थोड़ा ऊपर करना चाहिए। ओके, ये ऊपर चला गया और ये ठीक है, अभी फिलहाल सही दिख रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे अब आपने देखा था कुछ कैलेंडर जो था मेरा, जो यहाँ पे तारीख आ रही थी और इसके ऊपर उसका दिन लिखा हुआ था, तो वो चीज़ कैसे होगा, वो बटन कैसे बनेगी। तो बटन बनाने के लिए आपको करना ये है, आपको इधर आ जाना है और यहाँ पे लेना है सेप। ये कुछ इस प्रकार से मैंने सेप रखा आगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिया मैंने वाइट कलर, इसको वाइट कलर, नो आउटलाइन। और यहाँ पे आने के बाद बेवल पे आइए, बेवल पे जाने के बाद में यहाँ से आप बेवल सेट करिए, और बेवल जो आप लगाएंगे वो आपको ये राउंडेड वाला चूज करना चाहिए, या फिर देख लेता हूँ एक बार। ओके, ये राउंड राउंड आप ले लीजिए, राउंड। राउंड लेने के बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, देखिए आप क्या करिएगा, राइट क्लिक करिएगा इसके ऊपर और यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन फॉर्मेट सेव, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने ये प्रॉपर्टी नज़र आ जाएगी। जैसे सॉलिड फिल है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इतना लगभग इसकी ट्रांसपेरेंसी सही है और मैं उठा करके ला के यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक। गोला अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। अब 7 दिन होते हैं, 7 गोला लूँगा मैं 1 हफ्ते में। ओके, 1, ये हो गया मेरा 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो या तो आप अपनी इस सेप को बढ़ा लीजिए, और या फिर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ये हो गया नीचे। और डाउन करने के बाद में अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो डेट डालनी थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ रहा था, और राइट क्लिक करूँगा इस सेप के ऊपर, जो गोला है छोटा छोटा सा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आना है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने डेट डाला 1, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया लिखने के बाद, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, वाइट कलर है, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, 2 लिखा, कंट्रोल ए, या फिर आप पहले ही 1 ले लीजिए और इसके बाद उसका डुप्लीकेट बना लीजिए, बार बार कलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर मुझे डे लिखना है, तो इसका डे मैं लिख देता हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट और ओके। तो मैंने यहाँ पे इसका डेट भी लिख लिया है और डे भी लिख लिया है, सब कुछ मेरा हो चुका है। अब बारी है हाईलाइट करने की। जैसे कि आज 6 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 6 को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो 6 वाला शेप है, और कलर को मैं दे दूँगा, जो हमारा फॉन्ट कलर है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, और जो शेप का कलर है वो थोड़ा अलग दिखना चाहिए, ताकि पता चले कि आज कुछ अलग डेट है। शेप कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे सॉलिड में आ गया, और ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अपना शेप कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको हाईलाइट करवाना है। अब एक बार इसको प्ले करके देखिए, तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब यहाँ पर ये हमारा शेप तो बन गया है, बारी है इसके यहाँ पर बटन बनाने के। तो बटन बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपने एक से, मैं एक बना के दिखा देता हूँ, 1 और 2, और बाकी आप बनाइएगा। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा। अब जब एक आपका पूरा बन जाएगा, तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से कंट्रोल डी कर लीजिए, इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी, ठीक है। जैसे 7 तारीख है, तो 7 स्लाइड निकाल लीजिएगा, कंट्रोल डी। फिलहाल में 3 स्लाइड मेरे पास में है, इतना बहुत है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए पूरा बता नहीं सकता। अब पहले स्लाइड पे हूं मैं, मान लीजिए कि अगर कोई इसको प्ले करता है और वो अगले दिन 7 पे जाना चाहता है, तो फिर क्या करेगा, वो
सात पे क्लिक करेगा। तो सात पे जब वो क्लिक करे तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाए और ये वापस जो है ये वाइट कलर में आ जाना चाहिए। ठीक, तो अब मैं दूसरी वाली स्लाइड यानी ये वाली, पहली वाली हमारी 6 तारीख हो गई, दूसरी स्लाइड हमारी 7वीं तारीख का काम करेगा, ये 8वीं तारीख हो जाएगी। ठीक, तो वापस मैं यहाँ पे आऊँगा, 7 को सिलेक्ट करके, सॉरी पहले इस 6 को सिलेक्ट करिए क्योंकि यही सेम फॉर्मेटिंग मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो मैं 6 को सिलेक्ट किया हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है। तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने का आसान तरीका ये है कि जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। बस इस पर देखिए मैंने क्लिक किया है सेव पे, होम मेन्यू में आपको दिखेगा ये फॉर्मेट पेंटर जो कि फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। इस टूल पे क्लिक करता हूँ, किसके ऊपर अप्लाई करना है बस उसके ऊपर आकर के क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फॉर्मेटिंग दोनों की सेम हो गई। अब मैं 6 को नॉर्मल करना चाहता हूँ जैसे ये बाकी दिख रहे हैं, तो अब इसकी फॉर्मेटिंग मैं कॉपी कर लेता हूँ 5 की और वो 6 के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गए। यहाँ पे 6 तारीख ऐसा दिखेगी, 7 तारीख ऐसा दिखेगा। अब ये होना चाहिए कि जब कोई इस पर क्लिक करे तब वो 7 पे पहुँचे। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए हम 7 की वाली ये जो बटन है स्लाइड 1 पे है और 7 की बटन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आना है इंसर्ट एक्शन, एक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हाइपर लिंक टू दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्लाइड नाम से, इस पर क्लिक करिए। और किस स्लाइड पे जाना चाहिए 7 पे क्लिक करने के बाद, तो जो 7 वाली डेट है वो किस पे है, दूसरे पे है, तो स्लाइड 2 कर लेंगे हम और ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर कोई म्यूजिक देना है, कोई साउंड इफेक्ट देना है तो प्ले साउंड पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये क्लिक नाम से एक साउंड है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके। अब ये बटन बन चुकी है, ठीक है, ये मेरी बटन बन चुकी है। ऐसे मैं आ जाता हूँ इस पर और ऐसे ऐसे आपको सब पे लगा देना है, जितनी स्लाइड रहेंगी सब पे लगाना है। ठीक है, मैंने एक करके दिखा दिया। अब देखिए 7 तारीख पे आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब कोई 7 पे यहाँ पे 6 पे क्लिक करे तो 6 पे आ जाए वैसे ही हाईलाइट होकर के, तो मैं 6 वाली बटन को क्लिक करता हूँ और वापस मैं एक्शन में जाता हूँ, हाइपरलिंक 2 और यहाँ पे स्लाइड और यहाँ पे हमारी 6 डेट किस पे है, स्लाइड 1 पे, स्लाइड 1 रहने देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ प्ले साउंड और यहाँ पे क्लिक, ओके अब ये बटन बन चुकी है दोनों के दोनों। चलिए प्ले करता हूँ, ऐसे आपको सभी में करना है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए ऐसा ये नज़र आ रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है, ये देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे अगर मैं 7 पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 7 पे ले जाने के बाद हैंड का निशान बन रहा है, जबकि मैं किसी और शेप पे लेके जाऊँगा तो कोई हैंड का निशान नहीं बन रहा क्योंकि ये मेरा कोई बटन नहीं है। ठीक है, ये 7 मैंने क्या किया था, बटन दिया था इसको, हाइपरलिंक इसको मैंने ऐड किया था। तो अगर मैं 7 पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ये मेरा हो गया ना बटन की तरह, ये हाईलाइट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब इस वाली स्लाइड पे मैंने क्या किया था, 6 को बटन दिया था, क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट, 7 पे क्लिक करूँगा तो 7 हाईलाइट। ऐसे आपको सब में बना देना है, जितनी बटन्स हैं उतना ही आपके स्लाइड लेना होगा और सब पे ऐसे ही हाइपरलिंक सेट कर दीजिए, एक्शन सेट कर दीजिए जैसे कोई क्लिक करेगा और वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस प्रकार से आप और भी ज़्यादा एनिमेशन की वीडियो चाहते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसे लगी और अगला आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।